Hello everyone, welcome back to mathon. This is a CGL CHSL 2020 ke liye question, trigonometry previous year ke question. A pilot in an aeroplane at an altitude of 200 meter observes two points lying on either side of a river. If the angles of the depression of the two points be 45 degree and 60 degree, then the width of the river. Acha, ek cheez dekho, ye river hoga, ye agar plane hai, to plane se रिवर ए भी रिवर ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लेन से इसका क्या हो जाएगा सर? सर एक बार चेंज कर लेते हैं पेन चेंज कर लिए। तो प्लेन से रिवर के लिए क्या हो जाएगा सर? सर प्लेन से रिवर के हाइट दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है। अब देखो एक साइड का द ऑब्जर्व टू पॉइंट्स लाइंग ऑन इधर साइड ऑफ ए रिवर इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू पॉइंट्स। तो एक रिवर का साइड क्या सर एक ही तरफ? नहीं सर, दोनों तरफ होगा। तो एक का है 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, दूसरे का है 60 डिग्री। क्या सर यहीं पे एंगल होता है? नहीं सर, यहाँ पे एंगल होता है तो उसका पैरेलल करके फिर से 60 डिग्री लिखना पड़ता है, इसीलिए जल्दी से जल्दी वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल होता है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन, तो और ये इंटरसेप्टर है, तो इसीलिए ये भी 60 डिग्री होता है। अब देखो क्या दिया हुआ है, देन द विड्थ ऑफ द रिवर, ये लेंथ निकालना है। सर हमें मालूम है कि 45 45 ट्रायंगल में ये 200 है तो ये भी 200, ठीक है। अब 60 के ऑपोजिट वाले साइड में 200 है, ये 200 मीटर 60 के ऑपोजिट, ये 200 मीटर। तो 30 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? उसका रूट थ्री बाई डिवाइडेड बाई रूट थ्री। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा सर? 200 प्लस 200 बाई रूट थ्री, ऑप्शन नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।